आज मैं बच्चों की और हम सभी की फेवरेट कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनाने जा रही हूँ। आज मैंने इसको बिना एग और बिना ओवन के बहुत ही सिंपल तरीके से कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग बनाया। चलिए बनाना शुरू करते हैं। कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी को कैरेमलाइज कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1/4 कप चीनी ली हुई है। और इस टाइम पर मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है स्टार्टिंग में। इस तरीके से हम इसको चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरीके से कैरेमलाइज्ड हो चुकी है। चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक बाउल में डाल देते हैं। और इस तरीके से इवनली इसको अच्छे तरीके से पोर कर देंगे। चलिए अब हम पुडिंग की तैयारी कर लेते हैं। पुडिंग बनाने के लिए मैंने 2 ब्रेड ली हुई है। अब हम इसकी साइड्स को कट कर लेते हैं। और साइड्स की कट करने के लिए हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो पुडिंग है वो ब्राउनिश कलर की नहीं होगी। मिक्सी के जार में 1/4 कप चीनी डाल देते हैं और डालेंगे हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इससे जो हमारी पुडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर के तैयार होगी। और डालेंगे हम साथ में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और डाल देते हैं हम 1 कप मिल्क और ये हम डाल देंगे ब्रेड की स्लाइसेस। मैंने जो पुडिंग का मिक्सचर तैयार किया था वो एक पैन में डाल देते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। पुडिंग का मिक्सचर थिक हो रहा है तो हम एक सहायता से इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चलिए पुडिंग को एक बार चेक कर लेते हैं। अभी इसको हम 4 से 5 मिनट तक और कुक करेंगे, जब तक हमारा बैटर वो अच्छी तरीके से सेट ना हो जाए, गाढ़ा ना हो जाए। पुडिंग का मिक्सचर है वो अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके से परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ हमारा तैयार हो गया है। चलिए हम गैस को ऑफ कर देते हैं, इसको एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। चलिए अब इसको चारों तरफ से इसको रैप कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में इसको स्टीम कर लेते हैं। अब हम इसको कम से कम 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको स्टीम करेंगे। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख करके फिर इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसको हम डीमोल्ड कर देंगे। मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। चलिए अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। वाह, कितनी आसानी तरीके से हमारा पुडिंग है वो अच्छी तरीके से डीमोल्ड हो चुका है। इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो कैरेमल कस्टर्ड पुडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। आप लोग इसको अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।